हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। सब साथियों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट की फाइनली आंसर की आ गई। अब आपको मिलाना कैसे है, और हाँ, आपको बता दें साथियों, अगर आपके दो तीन मार्क्स कम हो रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रूफ में दिखाएंगे कि आपके कैसे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग पूरा वीडियो देखेगा और हम आपको विद प्रूफ बताएंगे कि आपके कैसे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। आइए फिर जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है, ठीक है? जैसे ही आप गूगल क्रोम पर आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे seated.nic.in, आपको लिखना है seated.nic.in। दोस्तों आप जैसे लिखेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर जो इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ये चीज़ देखिए आप देख रहे हैं, तो इसी पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है? आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिएगा, ये दोस्तों सीटेट की ऑफिशियली साइट है, ठीक है? सीटेट की ये ऑफिशियली साइट है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सीटेड। तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, एकदम आपका डेट दी हुई है 24 जुलाई 2024, और ये टाइमिंग दी है। आपको इस पर नहीं जाके दोस्तों, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में भी आपका आ चुका है यहाँ पे कि आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं, और ये दोस्तों जो आपके आंसर की आ गई है, आप सबसे ऊपर आपको जाना है यहाँ पर। आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं कि की चैलेंज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है की चैलेंज सीटेड, आपका जो लिख के आ रहा था दोस्तों सीटेड जुलाई 2024, इस पर आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए कुछ ऐसा कुछ एक नया इंटरफेस खुल के आया है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना, देखिए ये जो लिखी ना आपके सबमिट की चैलेंज और सीटेड जुलाई 2024, आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या ये देखिए एक नया इंटरफेस खुलकर आ गया है, ठीक है? ये जो है दोस्तों इंटरफेस खुलकर आ गया है, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों आ गया, और यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स, आपको क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पहले डेट फिर मंथ तो फिर ईयर डालना है, और यहाँ पे फिर देन आफ्टर आपको क्या करना है दोस्तों, लॉगिन करना है, ठीक है? आप जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके सामने उसके बाद में आपको क्या होगा दोस्तों, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? पेपर वन और पेपर टू की जो भी आंसर की है, और जो आपकी ओमार सीट है दोस्तों, वो जो आपने वहाँ पर होमवर्क सीट पे दोस्तों जो बबल्स फिल किए थे, वो आपके ओरिजिनल जो भी हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से एकदम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों, अब आप आइए जानते हैं कि कैसे आपको चीज़ें मिलानी हैं। देखिए दोस्तों, आपका फाइनली जो है, आपने जो अपनी ओमार सीट को डाउनलोड की कर लिया होगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपका हूबहू डाउनलोड करके आ जाता है, ठीक है? आपने जो भी दोस्तों जो भी बबल्स फिल किए होंगे ना, आपके सामने रियल ऑथेंटिक इस टाइप से, जैसे कि आपका ओमार आ जाएगा, इसमें आपका रोल नंबर भी पड़ा रहेगा, आपका दोस्तों टेक्स्ट बुक नंबर जो आपने डाला था, और यहाँ पर जो भी आपका पुस्तक कोड नंबर रहेगा दोस्तों, बुकलेट नंबर रहेगा वो, और जो भी कोड है आपका ABCD, फर्स्ट पेपर वालों में वैसे ABCD ईद एफ तक देखा गया है दोस्तों, ठीक है? बाकी आपका सेकंड पेपर में जो भी रहे दोस्तों, आपका MNOPQ या फिर GHIJKL जो भी रहे दोस्तों, वो आपको देख लेना है, ठीक है? वो चीज़ आपको देखना है, ध्यान देना है, और क्योंकि उसी से हम लोग मैच करवाएंगे अपनी आंसर की। तो ये देखिएगा, आपको पता है एक तरफ आपको दोस्तों क्या करना है, अब एक तरफ आपको या फिर आपके पास में दो मोबाइल हों दोस्तों, आप दो मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं। अगर दो मोबाइल नहीं है आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिएगा, एक रफ रजिस्टर में या रफ कॉपी में या किसी भी नोटबुक में एक से लेके और एक 150, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन है, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमने कौन से बबल, हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है? या फिर आप एक पन्ने पे वो तमाम सारे क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन है वो एकदम लिख लीजिएगा, फिर आप एक मोबाइल की सहायता से आंसर मिला सकते हैं, या फिर आपके पास दो मोबाइल है दोस्तों तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी आपको पेन कॉपी लेके तो बैठना ही पड़ेगा उसमें कि क्योंकि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं वो चीज़ मिलाने के लिए, तो आपको ये चीज़ ले हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, सबसे पहले आप अपनी बुकलेट जो है इसको जो आपने डाउनलोड किया दोस्तों ओमार सीट को, उसमें आप क्या करिएगा, उसको सामने लेकर बैठिए और 150 तक 150 क्वेश्चन जो भी आपने फिल किए हैं उसको एक अलग पन्ने पर लिख लीजिएगा, ठीक है? ये काम आपने कर लिया, अब आइए जानते हैं कि कैसे आपको मिलाना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपने जो है एक कॉपी में लिख लिया होगा 150 तक, एक से लेकर 150 तक, मतलब 150 क्वेश्चन आपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, या फिर आपने दूसरे मोबाइल की हेल्प की सहायता से वो चीज़ें कर ली होंगी। फिर भी आपको दोस्तों आप क्या करना है, कॉपी पेन की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? आप एक जगह जो है अपना देख लीजिएगा, रख लीजिएगा कॉपी पेन, और उसमें आपको मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, ठीक है? बहुत लंबी आंसर की, ये सिर्फ पेपर वन है आपका, ठीक है? पेपर टू की अलग PDF है दोस्तों, और पेपर
वन की अलग है। देखिए आप हमारे अगर आपको ये चीज़ आंसर की नहीं मिली दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम में जा सकते हैं, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्टडी फॉर जीनियस के नाम से है दोस्तों, ठीक है, स्टडी फॉर जीनियस के नाम से है, तो वहाँ पर आप डालेंगे तो फिर आपको वहाँ से डायरेक्ट ये चीज़ आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कैसे आंसर की तक आपको पहुँचना है और कैसे चीज़ों को जानना और समझना है। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिएगा कि सीटेट जुलाई 2024 आपको ये जानना है कि ये हमारा सीटेट जुलाई वाला पेपर है जो हमारा 7 जुलाई को हुआ था, और वैसे डेट आपको दे 23/7 मतलब आ तो गया था आंसर की, लेकिन डाउनलोड दोस्तों आज हुई है 24 तारीख को, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था और ये जुलाई वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है पेपर वन, मेन पेपर आपका लिखा हुआ है कि पेपर वन, सेट देख लीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपका सेट कौन सा है, पेपर वन वाले खासकर ध्यान दीजिएगा, सेट वन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा आपका सेट है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि ये पेपर आपका मेन है, ठीक है, ये इसमें 90 क्वेश्चन नहीं दिए दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट का आपका मान लीजिएगा सेट ए है, ठीक है, तो अब यहां पर तो 90 तक दिया है दोस्तों, ठीक है, आगे देखेंगे तो दोस्तों हमने देखा कि यार यहाँ पर भी 90 तक दिया है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपका सेट बी है ना, देखिए ऐसे ही आपको सेट पहले देख लेना है कि हमारा बी था, अब अगला देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिख कर आ गया, यहाँ पे हमारा सेट सी चालू हो गया, ठीक है, पहले इन्होंने यही किया सबके सबका जो है दोस्तों 90 तक ही दिया है इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले डी सेट आपका आ गया, ठीक है, और हम देख लेते हैं दोस्तों डी तक ही दिया है, पेपर वन में आपका ए बी सी डी हुआ था, ठीक है, अब ये देखिएगा अब सेट वन में देखिए दोस्तों सबका जब 90 तक कम्प्लीट कर दिया फिर इन्होंने स्टार्ट किया 91 से और दिया 150 तक, ठीक है, टोटल इन्होंने मतलब दे दिया, ऐसे ही आपको अगला स्लाइड जब देखेंगे दोस्तों तो सेट बी में 91 से लेकर 150 तक दिया है, ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज़ें दी हैं। अब लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, 91 से तो दिया तो ज़रूर है लेकिन अब आपने कौन सी लैंग्वेज को चुना था, जैसे कि इन्होंने अगर किसी बच्चे ने दोस्तों लैंग्वेज वन को प्रेफर किया है तो ये सेट उनके लिए। चलिए आइए हम पहले अच्छे से समझते हैं फिर आपको बताते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो, और हम तमाम सारे चीज़ें जानेंगे कि आपके दोस्तों मार्क्स सबको मिले भी हैं, सबको कॉमन मार्क्स भी प्रदान किए गए दोस्तों, ठीक, घबराने की बात नहीं है, हर एक बच्चे को कॉमन मार्क्स भी दिए गए हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन राइट हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात कर लें, सबसे पहले बात कर लें तो आपका सबसे पहले होता है CDP, ठीक है दोस्तों, CDP, अब आपने जो अपनी मार्कशीट को डाउनलोड किया ना दोस्तों, मार्कशीट को उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक CDP है, कहाँ से कहाँ आपके मैथ है, EBS है, ये दोस्तों सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से लेके और 90 तक आपने देखा कि हमारा सिक्वेंस में दिया ही है, ठीक है, तो आपको उस आप डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है CDP, EVS और मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सेट दिखाई देखिएगा, ठीक है, पेपर वन में आप सबसे पहले सेट देखेंगे कि यार मेरा सेट ए है, ठीक है, अब सेट ए आपने खोल के रख लिया दोस्तों, ठीक है, जिनका बी है वो यहाँ पे आगे जाएंगे दोस्तों, वो बी वाले को खोल के रख लेंगे, ठीक है, सी वाले डी वाले, ठीक है, समझ गए ना आई थिंक। चलिए देखिए यहाँ पर जाने के बाद में आप क्या करेंगे, अब आपको 1 से लेकर 90 तक एकदम मिला लेना अच्छे से, देखिए हम आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले आपका CDP शुरू होता है, ठीक है, आपकी जानकारी के हिसाब से आपको बता दें सबसे पहले 1 से लेकर दोस्तों, और ये 30 यहाँ पे आपका CDP कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ 1 से लेकर 30 तक आपका CDP कंप्लीट हो गया, आप लोग मिला लेंगे कि यार पहले का दूसरा है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का चौथा है, चौथे का दूसरा है, पांचवें का दूसरा है, छठे का दूसरा, सातवें का पहला, आठवें का पहला, नौवें का दूसरा और दसवें का दूसरा, ठीक है, इस हिसाब से आप दोस्तों ऐसे करके करते 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 24-25 तक यहाँ हो गए, फिर 26 से लेकर 30 तक दोस्तों यहाँ पे हो गए, ठीक है, अब आपने देखा कि मेरा CDP में कितना मार्क्स आया, ठीक है, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट में तो भी आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है, आप बस ये देखने का 150 में से CDP आपका कंप्लीट हो गया। अब 31 तक दोस्तों क्या स्टार्ट होता है, देखिए आपको बता दें इधर CDP सबसे पहले होता है, फिर आपका 31 से दोस्तों स्टार्ट होगा मैथ, ठीक है, मैथ होगा और 31 से 60 तक चलेगा, ठीक है, और 61 से फिर आपका क्या चलेगा दोस्तों, 61 से 90 तक आपकी EVS चलेगी, ठीक है, 90 तक ये आपका EVS तक हिसाब किताब दिया है, ठीक है, ये आपका EVS तक दोस्तों 90 तक हिसाब किताब दिया, फिर आपका लैंग्वेज चालू हो जाता है, आपने कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर किया था, सबसे पहले आपने संस्कृत चुना है, हिंदी चुना, इंग्लिश चुना है, ठीक है, वैसे मोस्टली तीन ही सब्जेक्ट लोग चुनते हैं, ठीक है, उर्दू वगैरह तो बहुत कम लोग स्टूडेंट चुनते हैं।
चले। देखिए ये अब आपको दोस्तों 31 से मिलाना है, ठीक है, 31 से लेके 60 तक आपकी मैथ चलेगी कि 31 का फर्स्ट हो गया, फिर 32 का दूसरा हो गया, 33 का तीसरा, 34 का दूसरा, इस सिक्वेंस में दोस्तों आप मिलाते चले आएंगे, ठीक है। आप जैसे ही दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं, अब यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप पहुँचेंगे एक झटका लगेगा कि यार 48 में डी दिया, 48 में जेड लिख कर आया है। दोस्तों यही है आपका कॉमन मार्क्स, इसको ही हम लोग कहते हैं कॉमन मार्क्स। देखिए यहाँ पे नीचे सिक्वेंस दिया है, ये क्या है इस पर हम लोग अलग से भी बात कर लेंगे वीडियो बना के। दोस्तों जेड का मतलब हो गया ऑल ऑफ दीज, आपने अगर कंपटीशन में एग्जाम दिया होगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ए बी सी डी में से आपने कोई भी क्वेश्चन चूज किया होगा ऑप्शन दोस्तों, तो उसमें सभी को 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं फ्री में, सभी को फ्री में 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशी की बात है, सबको 1 मार्क्स फ्री में प्रोवाइड किया गया। अगर आपके नंबर दोस्तों घट भी रहे ना तो अब आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे। अभी हम आपको और बताएंगे कि कैसे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर जेड दिया यहाँ पे दिया है ऑल ऑफ दीज मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों 48 में तो सबको मिल गया, ठीक है। अब ये नहीं है कि सेट ए वालों को ही मिलेगा, सेट बी वालों में जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर उनका जेड दिया होगा, ठीक है, और सी वालों में भी दिया होगा, डी में भी दिया होगा, ठीक है। सबको मार्क्स प्रोवाइड किया गया, ये नहीं कि सेट ए वालों को ही मिला है। अब देखिए जैसे ही आप दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ तक पहुँच गए, आप दोस्तों 60 तक पहुँच गए, अब यहाँ पे आपका मैथ कंप्लीट हो गया दोस्तों, मैथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 61 से आपका ईवीएस शुरू हो गया, तो ईवीएस में आपने 61 का 3 है, 62 का 3 है, 63 का डी, यार ये डी आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, तो आपको देखिए यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल रहा है दोस्तों, खुशी की बात है। अरे इस बार मतलब सीटेट वालों ने मतलब बहुत ही अच्छा काम कर दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सीक्वेंस दिया ना, ये आपको समझाने के लिए दिया है कि ऑप्शन अगर ए लिखा है किसी भी ऑप्शन में तो उसका मतलब है ए और दो, आपने अगर कोई भी ऑप्शन दोस्तों ए लगाया हो या बी लगाया हो ना, चाहे ए लगा दिया तब भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, आपने अगर बी में टिक किया है या दो ऑप्शन चुना है दोस्तों, दो चुना है तो भी आपका सही है, मतलब ए चुना है तब भी सही है, बी चुना है तब भी दो सही, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हो गए। बी वाले में क्या होता है दोस्तों कि 1 और 3 में से आपने अगर कोई भी टिक लगा दिया, चाहे 1 ए पे लगाया हो चाहे 3 पे लगाया हो, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ये सिक्वेंस होता है दोस्तों। अब आपने यहाँ पे क्या देखा था दोस्तों, क्या था यहाँ पे क्या लिखा था, हमने अभी जैसा कि देखा दोस्तों कि डी लिखा था सर, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था, 63 में डी लिखा था, तो डी में हमारा क्या सही होगा, तो देखिए दोस्तों डी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी में लिखा है, डी में दोस्तों क्या लिखा है कि 2 और 3, मतलब अगर आपने दो वाला ऑप्शन चुना होगा तब भी आपका सही है, और 3 वाला चुना होगा तब भी आप 1 मार्क्स काउंट कर लीजिए, ठीक है, ये खुशी की बात है। अगर आपने दोस्तों 2 पे क्लिक किया है, 2 पे टिक लगाया, गोला फिल किया है ना, तब भी आपका सही, अगर आप 3 पे गोला फिल करके आए हैं तब भी आप 1 मार्क्स आपका है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब ईवीएस में आपको 1 मार्क्स मिल गया और मैथ में 1 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स आपको यहीं से हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ ऐसे 64 का 4, 65 का 2, 66 का 3, ऐसे करके करते करते दोस्तों आप सिक्वेंस को करते चले आएंगे, ठीक है, और ऐसे दोस्तों आप करते चले आएंगे और 90 तक आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा साथियों, 90 तक आपका कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए सेट बी में क्या है दोस्तों, हमने जैसा कि बताया था सेट बी वालों को भी ऐसे मिलाना है, और मैथ में देखिएगा इसमें कौन सा है, सेट बी में, सेट बी में कहाँ गया जेड, जेड हम ढूंढ रहे हैं जेड, ये देखिए 52 नंबर पे है, 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सेट बी वालों को सबको 1 मार्क्स दिया गया है, ठीक है, सबको दिया गया है 1 मार्क्स, ठीक है। और ईवीएस में देखिएगा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 90 नंबर पे जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, 90 नंबर पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, 90 नंबर पर दोस्तों ए लिखा हुआ है, तो इन लोगों को क्या किया गया है, इन लोगों ने अगर जो भी क्योंकि दोस्तों ऑप्शन भी तो अलग अलग हैं भाई, हर सेट में दोस्तों ऑप्शन भी तो अलग अलग ऊपर नीचे हैं, लेकिन मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे हैं लेकिन ऑप्शन में लिखी वही चीज़ है, ठीक है, तो इनका ऑप्शन दोस्तों ए जाएगा, ए का मतलब अगर इन लोगों ने 1 या 2 में से कोई भी ए पे अगर गोला भरा होगा या 2 पे गोला भरा होगा तो इनको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सभी सेट में है दोस्तों, ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सी में भी दोस्तों यही कहानी है, ठीक है, सी में भी ये कुछ और नहीं है, सी में भी आप देख सकते हैं कि सी में देखिए 35 नंबर पे भी दोस्तों सबको 1 मार्क्स दिया गया है, ठीक है, 35 नंबर पे सबको 1 मार्क्स दिया गया है। और ऐसे ही आप ईवीएस में भी दोस्तों देख सकते हैं कि ईवीएस में कहाँ गया है, ईवीएस में दोस्तों कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ईवीएस में
ईवीएस में ये देखिए 77 नंबर पे दोस्तों, 77 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों सी लिखा हुआ है, मतलब कि क्या हो गया, सी नंबर लिखा है दोस्तों सी। एक और चार, अगर किसी ने दोस्तों एक पे टिक, एक पे गोला फिल किया या फिर चार पे गोला फिल किया ना, तो उनको एक मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने दो पे फिल कर दिया, तीन पे फिल कर दिया दोस्तों, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एक और चार वालों को दोस्तों समान मार्क्स मिलेगा। ऐसे डी में, ऐसे ही दोस्तों डी में है, और आप डी में 38 नंबर पे देख सकते हैं, 38 नंबर पे मैथ में सबको एक मार्क्स दिया है, ठीक है। आप कोई भी गोला फिल किए हो, आपको एक मार्क्स प्रोवाइड किया ही गया है, ठीक है। और ईवीएस में दोस्तों एफ नंबर है, ईवीएस में क्या है, एफ नंबर दिया है दोस्तों। तो एफ का क्या मतलब हो गया, एफ का मतलब हो गया तीन और चार। एफ का मतलब दोस्तों क्या हो गया, अगर आपने तीन गोला फिल किया या फिर चौथा गोला फिल किया ना, तो आपको एक मार्क्स मिला ही मिला है। अब आइए जानते हैं दोस्तों लैंग्वेज की। देखिए अगर आपने दोस्तों इंग्लिश को चूज किया है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपने इंग्लिश भरा है, दूसरा आपने हिंदी भरा है, या दूसरा उर्दू भरा है, या दूसरा आपने संस्कृत भरा है, तो उससे मतलब नहीं है। अब आप देखिएगा कि हमने दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन कौन सा फिल किया है, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपने कौन सा फिल किया है। फर्स्ट अगर आपने देखिए ये चीज़ जो आंसर किया दोस्तों, आप अगर आपने फर्स्ट इंग्लिश भरा है और दूसरा आपने हिंदी को चूज़ किया है, ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में इंग्लिश भरा है ना, तो आप 91 से मिलाएंगे कि मेरा 91 का चार सही है, 92 का एक सही है, 93 का दो सही है, ठीक है। अगर हिंदी को पहले आपने दिया है तो आप ये नहीं मिलाएंगे। अगर आपने दोस्तों ए सेट वाले हैं और आपने फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी को दी है, तो आप नहीं मिलाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज में फर्स्ट इंग्लिश चुनी है ना, तो आप 91 से लेकर और 150 तक मिलाएंगे, जिसमें से आपका दोस्तों 91 से लेकर 120 तक क्या है, 91 से लेकर 120 तक आपका दोस्तों इंग्लिश चल रहा है, और यहाँ से हिंदी फिर स्टार्ट हो गई है। फिर यहां से दोस्तों आपकी 121 से लेकर 150 तक अपने आप हिंदी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या किसी को वन मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, 117, 18, 21, 23, 24। और इसमें दोस्तों ये देखिए 136 में सबको मिला है दोस्तों, इसमें भी मिला है दोस्तों लैंग्वेज में 136 में दोस्तों बी ऑप्शन है, ठीक है। बी का मतलब हो गया, अगर दोस्तों आपने एक और तीन, बी में दोस्तों क्या है, एक और तीन, अगर आपने एक वाला बबल फिल किया या फिर तीन वाला बबल फिल किया ना, तो सभी को वन मार्क्स दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। और दोस्तों देखिए, देख लीजिएगा, देखिए इसमें क्या है, अच्छा इंग्लिश में नहीं, हिंदी में है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश तो आपकी 91 से 120 तक ही चलेगी ना, 135, 136 में आपकी फिर हिंदी आ जाएगी, हिंदी में मिला है दोस्तों, इंग्लिश में किसी को नहीं मिला है, हिंदी में दिया गया, हिंदी में जो है आपको दिया गया, अगर आपने हिंदी में ऑप्शन टू चुना है, लैंग्वेज टू है आपकी, तो 136 में सेट ए वाले को सभी को क्या है, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एक और तीन ऑप्शन चुना है, तो आप सभी को मिला, बस एक ही पे मिला है, ठीक है। बी में भी ऐसे ही आप देख लीजिएगा दोस्तों, बी में भी सभी को मिला होगा, बी में भी देखिए 138 नंबर पे मिला है, ठीक है। आपने अगर लैंग्वेज दोस्तों चुनी है तो 138 नंबर में, ई में लेकिन आपने अगर दो और चार में से कोई गोला फिल किया तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इस हिसाब से दोस्तों आप मिला लीजिएगा, ये आपका इंग्लिश सेट सी है, ये आपका डी सेट है इंग्लिश का, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों आपका क्या हिंदी आ गया, ठीक है। अगर आपने दोस्तों ये देखिए पेपर वन का मतलब पेपर वन है और लैंग्वेज टू हिंदी है, ठीक है। लैंग्वेज टू दोस्तों आपने अगर हिंदी को चूज़ किया, ये उनके लिए है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपका लैंग्वेज वन पे अगर आपने हिंदी इंग्लिश चुना है तो उनके लिए था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या था कि आपने अगर लैंग्वेज वन को वन पे इंग्लिश चुना है तो उनके लिए था, और अगर आपने यहाँ पे हिंदी को चुना है दोस्तों पेपर टू, ठीक है, तो पेपर टू आपका लैंग्वेज दोस्तों आपने क्या चुना है दोस्तों हिंदी चुना है, तो आपको यहाँ से आप देखना पड़ेगा 131 से दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, 131 से आपको दोस्तों देखना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से और 150 तक देखना पड़ेगा, ठीक है। 150 से अगर आपने दोस्तों लैंग्वेज वन चुना है हिंदी को, लैंग्वेज वन अगर आपने दोस्तों हिंदी को चुन लिया है ना, तो आपको 91 से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपका सेट क्या है, पेपर वन और लैंग्वेज टू हिंदी, ठीक है। अगला ऐसे ही दोस्तों ये सेट कौन सा है आपका, बी है, या आपका दोस्तों असमिया है, ठीक है, असमिया वगैरह आ गई, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं पेपर टू के बारे में। देखिए दोस्तों ये आपका पेपर टू आ गया, ठीक है, ये आपका पेपर टू दिया है। इसमें एक चीज़ जान लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है सेट कौन सा है, सेट आपका आई है कि नहीं है, ठीक है। और पेपर आपका ये देखिएगा टू देख लीजिएगा, ठीक है, और ये आप डेट देख सकते हैं आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और ये एक चीज़ और देख लीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ और देखना है आपको कि ये मेन पेपर है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका मेन पेपर है, मेन पेपर में दोस्तों आपका दिया है कितने तक, इसमें भी 90 तक दिया है। अब इसमें क्या क्या आता है दोस्तों,
इसमें देखिए मेन पेपर आपका हो गया, तो एक से लेकर 30 क्वेश्चन तक दोस्तों आपका इसमें CDP आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? तो CDP आ जाएगा, ठीक है। और 31 से लेकर 90 तक आपका दोस्तों, अब आपने साइंस लिया है, ठीक है दोस्तों, आपने क्या लिया, आपने साइंस SST लिया है या फिर साइंस लिया है, ये चीज़ अब वहाँ पर बनेगी, ठीक है। 31 लेकर दोस्तों 90 तक आपका SST एंड साइंस चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका, ये जो आपका पेपर है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि ये पहले मेन पेपर है और किसका है दोस्तों, मैथ का है, ठीक है। यहाँ पे मेन मैथ देख रहे हैं आप, तो मैथ और साइंस जिन्होंने दोस्तों लिया है वो लोग आपका सेट आई है उनका, ठीक है, उनका सेट आई है और उन्होंने पेपर टू में दोस्तों मैथ लिया है, ठीक है, मैथ लिया है, तो आप इस, आप इसके हकदार हैं। आप यहाँ से फिर मिलाएंगे कि 1 का 3 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, ठीक। अब आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, तो ऐसे ही आप लोग मिलाते चलेंगे दोस्तों इस, और इसमें देखते हैं कि क्या किसी को दोस्तों मार्क्स मिल रहा है क्या, मतलब 1 मार्क्स क्या फ्री में प्रोवाइड किया गया है किसी के ऑप्शन में। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यस पेपर टू में तो किसी को नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेट दोस्तों आपका J शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपका दोस्तों सेट J है और आपने सबसे पहले मैथ साइंस को चुना है, तो आप यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पहला आपका 30 तक CD पे चलेगा, फिर देन आफ्टर आपका मैथ चालू हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए IJKL है, इनका सेट है IJKL दोस्तों, ये K वालों के लिए हो गया। और यहाँ देख सकते हैं आपका L सेट शुरू हो गया, यहाँ पर आपका सेट L शुरू हो गया। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों सेट आपका आई शुरू हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका आई शुरू हो गया और आपका SOS का मतलब क्या हो गया, सोशल साइंस दोस्तों। अगर आपने सोशल साइंस SST लिया है ना दोस्तों और सेट आपका आई है, तो आप यहाँ से मिलाएंगे, 1 का 3 हो गया, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 3, 5 का 3, 6 का 3, 7 का 3, 8 का 2 दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि क्या किसी को 1 मार्क्स प्रोवाइड हुआ है क्या यहाँ पर SST वालों को, तो SST वालों को क्या 1 मार्क्स दोस्तों प्रोवाइड हुआ है कोई ऑप्शन में, तो देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। तो अभी तक तो नहीं नज़र आया है, और अभी तक नज़र आया नहीं था लेकिन आ गया है। ये देखिए दोस्तों 65 में Z नंबर दिया है SST के दोस्तों, जिनका आई सेट था ना, जिन लोग बच्चों का आई सेट था, IJKL कुछ भी हो, ठीक है, आई वालों में Z 65 नंबर क्वेश्चन खोलेगा, उस वहाँ पे आपको सबको 1 मार्क्स दिया। आपने कोई भी दोस्तों, आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया हो, ठीक है, आपने कोई भी ऑप्शन पर टिक किया दोस्तों, सभी को, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी बच्चों को 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, सभी के सभी स्टूडेंट को 1 मार्क्स SST में मिला है 65 नंबर क्वेश्चन आई वाले में। ऐसे ही IJKL में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा दोस्तों, ठीक है, और उसमें भी सभी को 1 मार्क्स दिया गया है। आइए हम अभी वो भी दिखाएंगे आपको, और देख लेते हैं क्या और किसी में कुछ है, तो जी नहीं, और किसी में कुछ नहीं है दोस्तों, सभी को 1 मार्क्स SST में प्रोवाइड किया गया। आई हो गया, ये आपका J शुरू हो गया, ठीक है, SST में। अब J नंबर में देखिएगा 79 नंबर में जो भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सबको 1 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। चलिए ऐसे ही दोस्तों आप K पे देखेंगे, तो K पर भी आपको SST में दोस्तों क्या कितने नंबर पर है, SST में देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे किस में कितने नंबर पे है दोस्तों, कितने नंबर पे है, 75 नंबर पे है। 75 नंबर पे दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन रहा होगा ना, उस पर सबको 1 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए आपका L शुरू हो गया, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से दोस्तों मिलाना है 1 से लेकर 90 तक आपका अगर SST है, तो इसमें देखिएगा 77 नंबर आप देख रहे हैं, 77 नंबर पर क्वेश्चन पे सभी को 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो L तक दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। आप देखिए जिन्होंने लैंग्वेज 1 को प्रेफर किया ना दोस्तों, जिन्होंने लैंग्वेज 1 प्रेफर किया है दोस्तों, अब वो लोग इसको मिलाने के हकदार हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना है, तो आप 91 से लेकर मिलाएंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप 91 से लेकर मिलाएंगे। अगर जिन्होंने लैंग्वेज में इंग्लिश को फर्स्ट चुना है, 91 तक है दोस्तों, और सेकेंड में फिर क्या शुरू हो जाएगी, मतलब आपको दोस्तों 120 तक ही मिलाना है इन लैंग्वेज, क्योंकि हमने जैसा कि बताया 91 से लेकर 120 तक आपकी इंग्लिश चलेगी। तो ये लैंग्वेज 1 हो गई दोस्तों आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज 1 आपकी क्या हो गई दोस्तों, इंग्लिश यहीं तक है, और सेकंड में आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। 121 से दोस्तों आपकी क्या चलेगी, यहाँ पर इंग्लिश चलेगी, लेकिन ये आपके सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश चलेगी, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश चलेगी, ठीक है। अगर आपने हिंदी को सबसे ऐसे ही आप JKL वाले सभी स्टूडेंट मिला लेंगे। हाँ, ये चीज़ देख लें, क्या इंग्लिश में सभी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है, ये चीज़ जान लेते हैं इसमें भी दोस्तों। और मिला है दोस्तों, मिला है, लेकिन एक मिनट, फर्स्ट लैंग्वेज में क्या मिला है, फर्स्ट लैंग्वेज तो दोस्तों नहीं मिला है, सॉरी, फर्स्ट में नहीं मिला है दोस्तों, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड चुना था ना इंग्लिश, उनको मिला है। ये देखिए 140 पे ए मिला है दोस्तों, और ए में आपका अगर आपने 1 या 2 में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ किया ना, तो सभी को 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही IJKL सभी को मिला है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही IJKL में
सभी के सभी स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ का लाभ मिला है। ये देखिए आपका दोस्तों एल हो गया, अब ये देखिए हिंदी आ गई दोस्तों, हिंदी दोस्तों आ गई और यहाँ पे आपका पेपर टू है और इसमें पेपर दोस्तों आपका क्या है टू है और यहाँ पे आपका हिंदी आ गई। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, हिंदी आ गया। अगर आपने दोस्तों क्या चुना, हिंदी को चुना है, अगर आपने प्रेफर किसको किया दोस्तों, हिंदी को चूज़ किया है तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 191 से लेकर 120 तक और फिर 120 से लेकर वहाँ तक आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, वहाँ पर बिल्कुल आपके क्या आ जाएगी दोस्तों, अगर यहाँ पे आपकी हिंदी वन, हिंदी क्या चल रही है दोस्तों, यहाँ पे आपकी हिंदी वन चल रही है पेपर वन की और यहाँ पे हिंदी टू चल रही है। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, IJKL में आपको ऐसे ही मिला लेना है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों सभी को मिला है, यहाँ पर भी सभी को वन मार्क्स मिला है। यहाँ पे देखिएगा 144 का डी आ गया, 144 का दोस्तों क्या है, डी आ ही गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में कौन कौन से अगर आपने फिल किया दोस्तों, अगर देखिएगा दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 44 में फिर डी पे क्या है दोस्तों, डी पे अगर आपने दूसरा या तीसरा में दो गोला फिल किया या फिर दूसरा गोला फिल किया या फिर तीसरा गोला फिल किया तो सभी को वन मार्क्स प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा, फिर जिसके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एंड आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी बताइएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में दोस्तों, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो वो चैलेंज करेंगे दोस्तों और उसमें आपके मार्क्स फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका है। तो चलिए फिर सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मिला के कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।